हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज के पास, और आज के ब्लॉग में हम ट्रेवल करेंगे यहाँ से मोदी नगर होते हुए मेरठ तक, और साथ ही हम लेंगे अपडेट दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक चलने वाली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के फेज 3 के पैकेज 3 और पैकेज 4 के बारे में। आज के व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट से देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि इस रूट पर कितना काम हो चुका है और किन किन जगह पर काम अभी चल रहा है या अभी स्टार्ट होना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाले इस दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है और कार्य अपने तय सीमा में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें फेज 1 साहिबाबाद से गाजियाबाद तक, फेज 2 दिल्ली के सरायकाले खां से साहिबाबाद तक, और फेज 3 जिस रूट पर आज हम ट्रैवल कर रहे हैं दुहाई से मेरठ के मोदीपुरम तक। और साथ ही कंस्ट्रक्शन की गति को बनाए रखने के लिए इन 3 फेसेस को भी 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। और आज के व्लॉग में हम लेने वाले हैं अपडेट दुहाई से मेरठ के शताब्दी नगर तक फेज 3 के पैकेज 3 और पैकेज 4 के बारे में। आपको यहाँ से सामने एक लॉन्चर दिखाई दे रहा होगा, कुछ समय पहले इस लॉन्चर का भी सेटअप भी किया गया था, बट अब यहाँ देखिए पिलर्स बाय पिलर्स ये लॉन्चर सेगमेंट को जोड़ता हुआ दुहाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत तेज गति से यहाँ पर काम हो रहा है और दूर तक मुझे यहाँ पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए राइट साइड में है मेरे मुरादनगर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर जाने वाला रास्ता। और जैसे कि आपको पैकेजेस के बारे में बताया था, पैकेज 3 दुहाई RRTS स्टेशन से मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन तक, और पैकेज 4 मोदीनगर नॉर्थ से मेरठ के शताब्दी नगर तक है। और दोनों ही पैकेजेस पैकेज 3 और पैकेज 4 की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है L&T। हमें अभी मुरादनगर में, और राइट साइड में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं रैपिड रेल के साथ ही, ये है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का मुरादनगर RRTS स्टेशन। अभी स्ट्रक्चर पूरा तैयार नहीं हुआ है, बट जो पिलर की मोटाई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेशन यहाँ पर भी बनना है। और मुरादनगर से थोड़ा सा आउटर में आते ही पिलर्स यहाँ पर तैयार, और जो पिलर तैयार नहीं है उन पर अभी वर्क चल रहा है। और साथ ही ठीक गंगनगर से पहले यहाँ पर एक लॉन्चर और इंस्टॉल किया जा रहा है, तो बहुत जल्द यहाँ पर भी सेगमेंट के लगाने का काम स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी सेगमेंट लगाता हुआ ये भी दुहाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। हम हैं जिस रैम पर, ये रैम जा रहा है गंग नहर की ओर, जहाँ पर गंग नहर के ऊपर बनने वाले रैपिड रेल पुल के ऊपर जो रैपिड रेल का ब्रिज बनना है वहाँ पे काम रुका हुआ था। बट लेफ्ट साइड में देखिए गंग नहर पर जो पहला पिलर है वो तैयार हो चुका है। लास्ट ईयर जब गंग नहर सफाई के लिए बंद हुई थी, तब मशीनरी में खराबी की वजह से पिलर तैयार नहीं हो पाया था, तो अब एक पिलर तैयार हो चुका है। इसी से अंदाजा लगाइए काम कितनी तेज गति से चल रहा है। गंग नहर पार करने के बाद तो यहाँ पर आपको लाइन से ही पिलर दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ जाल हैं, सरियों के जाल, जिन पर अभी फिलिंग होनी है, और उन जाल के बाद ठीक एक सीध में, एक लाइन में पिलर्स तैयार। और यहाँ पर तो इनके ऊपर जो टी शेप बनना है, कैप लगानी होती है, वो भी लग चुकी है। बहुत तेज गति से यहाँ पे काम होता हुआ।
और यहाँ पर एक और लॉन्चर जो सेगमेंट को जोड़ता हुआ बरातनगर की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। काम की गति का अंदाजा इसी से लगाइए कि दुहाई के बाद जैसे ही हमने फेज थ्री में प्रवेश किया, फेज थ्री का काम देखना शुरू किया, तो तीन लॉन्चर अब तक ऑपरेशन हो चुके हैं। यहाँ तक गांव सीकरी कला है शायद ये गांव, और मोदीनगर से जस्ट पहले या मोदीनगर का आउटर कह दीजिए राइट साइड में फिर ये बैरिकेडिंग, और ये एग्जैक्ट लोकेशन है मोदीनगर साउथ आरआरटीएस स्टेशन की। जी हाँ, क्योंकि मोदीनगर के अंदर तो स्टेशन बनाने के लिए जगह ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह एक्वायर करनी पड़ती, लोगों के बिजनेस भी काफ़ी नुकसान होता, तो थोड़े से आउटर में ये स्टेशन बनाया जा रहा है मोदीनगर का साउथ आरआरटीएस स्टेशन। दो स्टेशन बनने हैं मोदीनगर में, एक मोदीनगर साउथ और एक मोदीनगर नॉर्थ। तो ये मोदीनगर साउथ स्टेशन है, और राइट साइड में आपको जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है ये एक्चुअली मोदीनगर का एक लैंडमार्क है, बन गया है अब, इस पर साफ लिखा हुआ है कि मोदीनगर, जो कि स्वागत करता है आपका, बताता है आपको कि आप मोदीनगर पहुंच चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद ट्रैफिक का कंजेशन बहुत कम हुआ है इस रोड पर, बट बैरिकेडिंग के बाद तो जगह काफ़ी कम वैसे भी हो गई है रोड पे। लेफ्ट साइड में थाना कोतवाली मोदीनगर और मोदीनगर की प्रसिद्ध जैन शिकंजी, मोदीनगर मशहूरी जैन शिकंजी से हुआ ज़्यादा, और उसके आगे अभी यहाँ पर कोई खास काम नहीं, बट हाँ डिवाइडर से जो स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं वो हटा दिए गए हैं, और थोड़ा सा आगे फिर एक बार बैरिकेडिंग। मोदीनगर में गोविंदपुरी के पास जो एक नाला पड़ता है उससे पहले ही जैसे बैरिकेडिंग हुई है। जी हाँ, ये जगह वही है, तो मोदीनगर में भी अब वर्क स्टार्ट हो चुका है, और मोदीनगर को आउटर में आते ही तहसील के पास एक नहर आती है, और यहीं पर बन रहा है मोदीनगर का नॉर्थ आरआरटीएस स्टेशन, मोदीनगर नॉर्थ आरआरटीएस स्टेशन। यहाँ पर इसके दो पिलर्स हैं, बाकी पिलर्स अभी कंस्ट्रक्शन होने हैं, नहर के उस साइड ही तहसील के सामने ये स्टेशन बनना है, तो बहुत जल्द वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैरिकेडिंग तो लगनी स्टार्ट हो गई है। और मोदीनगर से आगे मेरठ की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ पर भी आप पिलर्स देख सकते हैं, जिनके ऊपर टी शेप जो बनाने हैं, ऊपर टॉप बनता है वो बनाने का कार्य चल रहा है, और आगे तो पिलर्स पूरे तैयार हैं। तीन फेजेस में पिलर तैयार होते हैं, पहले ज़मीन में एक फाउंडेशन बनाई जाती है, फिर पिलर, और थर्ड फेज में ऊपर टॉप तैयार किया जाता है। और यहाँ पे हल्का सा रोड पे घुमाव है, तो उसी के हिसाब से ही पिलर्स भी तैयार किए जा रहे हैं, और दूर तक मुझे पिलर्स एकदम तैयार दिखाई दे रहे हैं। शायद जगह है ये कादराबाद, ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक और लॉन्चर जो कि सेगमेंट बाय सेगमेंट जोड़ता हुआ मोदीनगर की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी अब तो चार पिलर्स के बीच में बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सेगमेंट, और इसी तरह जब तक हम अगले अपडेट लेंगे तब तक कितने ही पिलर्स पर सेगमेंट तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि डेली तो मैं इस रोड पर अपडेट के लिए नहीं आता, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद तो मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ का सफ़र उस एक्सप्रेसवे के थ्रू ही होता है। और आगे बढ़ते हुए हम पूछे हैं मोहिद्दीनपुर, मोहिद्दीनपुर शुगर मिल के नाम से मशहूर है ये जगह, शुगर मिल है यहाँ पर, और यहाँ देखिए एक पैदल चलने वालों के लिए एक ब्रिज बनता हुआ, और यहाँ पर भी पिलर के ऊपर टी शेप का जो कैपिंग होती है उसका काम चल रहा है यहाँ पर मोहिद्दीनपुर एरिया, और बैरिकेडिंग तो लगभग पूरी हो ही चुकी है, कुछ जगहों पर बची है बट मोस्टली जगह पर बैरिकेडिंग हो चुकी है। और यहाँ देखिए यह है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बहुत ही शानदार नज़ारा होने वाला है यहाँ पर, नीचे ट्रैफिक के लिए नेशनल हाईवे 58, उसके ऊपर से गुजरती मालगाड़ी, और उसके ऊपर से टॉप स्पीड में गुजरती हमारी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। और आगे बढ़ते हुए ये है एग्जैक्ट लोकेशन भूड़बराल,
और राइट साइड में जो बैरिकेडिंग है यहाँ बनेगा स्टेशन मेरठ साउथ का। जी हाँ, बिल्कुल भूड़बराल में ही यहाँ पे मेरठ साउथ का स्टेशन बनना है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह दिखाई देना स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ बैरिकेडिंग है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पिलर्स देख सकते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। हम पहुँचने वाले हैं मेरठ के प्रतापपुर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के चेंज पर। और यहाँ पे ये रैपिड रेल इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ओवरपास करते हुए लगभग 22 मीटर की ऊंचाई से ओवरपास करते हुए मेरठ शहर की दिशा में आगे बढ़ेगी। राइट साइड में जो मेरठ बाईपास से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला पुल है उसके राइट साइड से होकर, तो हम भी अब मेरठ शहर की दिशा में जाएंगे। इस अंडरपास से हमें लेना होगा राइट मेरठ शहर में जाने के लिए। अगर सीधे जाएंगे तो हम चल जाएंगे मेरठ बाईपास होते हुए मुजफ्फरनगर हरिद्वार की ओर। और मेरठ में एंट्री करते ही पहले हम चलेंगे एक रेलवे ओवरब्रिज पर। ये ब्रिज है दिल्ली मेरठ मेन रेलवे लाइन के ऊपर। और रेलवे ब्रिज से उतरते ही यहाँ पर आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, यानी काम यहाँ पर भी स्टार्ट है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। मेरठ शहर में भी काम स्टार्ट हो गया है, तो आप इससे इस कार्य की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जो सबको एक चिंता थी वो यही थी कि मेरठ शहर में काम कैसे होगा। हालांकि अभी लेफ्ट साइड में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, रोड वाइडनिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और राइट साइड में अब आप पिलर्स देख रहे होंगे कि सेंटर से राइट में क्यों चले गए, तो सेंटर से राइट में इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर बन रहा है स्टेशन प्रतापपुर का, RRTS प्रतापपुर स्टेशन। फेज 3 और फेज 4 में लगभग 7 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें दुहाई के बाद जो स्टेशन आएगा वो है मुरादनगर, फिर मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर रिठानी और शताब्दी नगर। तो प्रतापपुर स्टेशन के बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भी पिलर्स तैयार हो चुके हैं काफ़ी। और मेरठ में भी आप देख सकते हैं लाइन से आपको पिलर दिखाई देंगे। यहाँ पर एक टॉप पर कंस्ट्रक्शन होता हुआ और आगे तो कई टॉप ही तैयार हैं, बिल्कुल पिलर तैयार हैं। और जब यहाँ पर भी इतने सारे पिलर तैयार हो चुके हैं, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, जिसका रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं कितने फास्ट काम करती है, यहाँ पर भी एक इंस्टॉल कर रही है लॉन्चर मेरठ शहर के अंदर, मेरठ की सीमा के अंदर बिल्कुल। तो बहुत जल्द यहाँ पर भी आपको सेगमेंट लगे हुए ऊपर दिखाई देंगे। वेल, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं और उसके आगे एक थोड़ा ब्लैंक स्पेस। और ये ब्लैंक स्पेस इस वजह से है क्योंकि यहाँ बनना है स्टेशन रिठानी का, रिठानी RRTS स्टेशन। दोनों साइड पिलर आप देख सकते हैं, स्टेशन के लिए तो जगह चाहिए होती है। दोनों साइड प्लेटफार्म भी बनने हैं, ऊपर आने जाने का रास्ता भी, क्योंकि एलिवेटेड ही होंगे सारे स्टेशन यहाँ पर भी। और बीच के पिलर्स और लेफ्ट राइट दोनों साइड पिलर्स का निर्माण किया जाएगा रिठानी RRTS स्टेशन के बाद। यहाँ से आगे बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं रोड के बीच में हो की जा रही है, पीछे हो गई थी, यहाँ पे आप देखिए अभी की जा रही है, लेकिन रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड में देखिए कुछ लाल रंग की मिट्टी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर अभी सड़क बननी बाकी है। लेफ्ट साइड में अभी सफाई हुई है और राइट साइड में ये रोड है दिल्ली रोड को हापुड़ रोड से जोड़ने वाली बिजली बम्बा बाईपास, उसके साथ ही सुपरटेक मॉल। और यहाँ से आगे फिर से एक बार बैरिकेडिंग, हमें जस्ट दिल्ली हापुड़ रेलवे लाइन पर बने मेवला ओवर ब्रिज पर से जस्ट पहले, और यही है राइट साइड में एग्जैक्ट लोकेशन शताब्दी नगर RRTS स्टेशन की। जी हाँ, थोड़े से आउटर में ही बनाए जा रहे हैं और RRTS स्टेशन इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर सके।
अगर ज़्यादा पास में हम ये स्टेशन बना दिए जाते तो कुछ एरिया को ही कवर कर पाते, बट बेवला फाटक से पार होते ही यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग। यहाँ से आगे रैपिड रेल अंडरग्राउंड हो जाएगी और शुरू होगा पैकेज 5। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।